क्रिएट की गई किसी भी टेबल में डेटास को या रिकॉर्ड्स को किस प्रकार से ऐड, डिलीट और अपडेट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है ऐड अ रिकॉर्ड टू अ टेबल। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। टू ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल यू मस्ट यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप है ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू और द फॉर्म इन फॉर्म व्यू। सबसे पहले हमें टेबल को ओपन करना होगा डेटा शीट व्यू के रूप में। तो मैं सबसे पहले टेबल्स को ओपन कर लेता हूँ एक्सेस को और टेबल ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टेबल मेरी ओपन हो चुकी है। सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड ग्रुप, क्लिक न्यू और न्यू ब्लैंक। यहां से होम मेनू में जाकर मैं न्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा कर्सर न्यू ब्लैंक जगह पे एंटर हो चुका है। एंटर योर न्यू इंफॉर्मेशन। मैं अपनी नई इंफॉर्मेशन को एंटर कर देता हूं। To move the next field in the sum arrow, press tab, use the right or left arrow key or click the cell in the next field। इसका अर्थ ये है कि जब आप किसी भी नए रिकॉर्ड को ऐड करते हैं तो न्यू नेक्स्ट सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड पर यूज होने वाले टैब बटन या एरो की का हम यूज कर सकते हैं। इन द टेबल टू मूव द नेक्स्ट कॉलम यूज द, ये सेम ही है कि आप चाहे तो आपका एरो की से आप मूव कर सकते हैं। व्हेन यू व्यू अनदर रिकॉर्ड टू क्लोज द टेबल एक्सेस सेव द न्यू रिकॉर्ड दैट यू एडेड। स्टार्ट ये क्या आप टेबल को क्लोज करके वापस से ओपन करके चाहे तो देख सकते हैं कि जो आपने नया रिकॉर्ड आपने ऐड किए गए थे वो आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस होती है इसमें डिलीट रिकॉर्ड। तो किसी भी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए भी हमें कुछ अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। टू डिलीट द डेटा That is currently in a table, you must use the following steps। इसके लिए भी कुछ steps को follow करना होगा। तो सबसे पहले step से open the table in data sheet view or form। तो हमारे लिए सबसे पहले तो table open करना है, तो जो कि हमारे पास table open है। इसके बाद select the record or records that you want to delete। मतलब हमें टेबल में से उस रिकॉर्ड को या उन रिकॉर्ड्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा जिन्हें हम डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है। प्रेस डिलीट सिलेक्ट हम या आप कीबोर्ड पर यूज होने वाले डिलीट बटन को या होम मेनू में जाकर डिलीट ऑप्शन की सहायता से भी इन सिलेक्ट किए गए रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते। मैंने डिलीट बटन को प्रेस किया है और ये पूछ रहा है आपसे कि डिलीट करना है, उनका यस। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा आता है एडिट डेटा इन टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि रिकॉर्ड्स को एडिट करना। उसके लिए भी हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होंगी। सबसे पहले स्टेप से ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू, क्लिक द फील्ड और नेविगेट टू द फील्ड बाय यूजिंग टैब एरो कीज। मतलब हमें सबसे पहले उस
फील्ड पर या उस कॉलम्स पे कर्सर रखना होगा जिसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने कर्सर रखा यहाँ पे, इसकी यहाँ पर एक रिकॉर्ड है जय नाम से, मैंने इस पर कर्सर रखा, देन प्रेस F2। तो उसके बाद आप कीबोर्ड पर यूज होने वाले फंक्शन इसमें से F2 को प्रेस करके प्रेस कीजिए। इंटर और अपडेट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू इंसर्ट। आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको रिकॉर्ड फिल करना है वो आप रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं, यदि आपको चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पड़ी है आपका, इफ यू मेक अ टाइपिंग मिस्टेक प्रेस बैक स्पेस। यदि आप गलत टाइप करते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज करके उसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स को चेंज किया। ये प्रोसेस कहलाती है रिकॉर्ड को एडिट करना। तो आज हम लोगों ने सीखा रिकॉर्ड्स टेबल्स में नए रिकॉर्ड को कैसे ऐड किया जाता है, पुराने रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट किया जाता है, और किसी भी पुराने रिकॉर्ड को कैसे अपडेट किया जाता है।